एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को निशाने पर लिया और कहा कांग्रेस के पास पहले से ही डीके हैं। डी मतलब दिग्विजय सिंह, के मतलब कमलनाथ। कांग्रेस को बर्बाद करने को दो ही डीके काफी हैं। बाहर के डीके आएंगे तो अंजाम में कांग्रेस क्या होगा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश कांग्रेस में डीके शिव कुमार की एंट्री को लेकर कहा कांग्रेस के पास पहले से ही डीके हैं। डी मतलब दिग्विजय सिंह और के मतलब कमलनाथ। बर्बाद कांग्रेस करने को दो ही डीके काफी हैं। बाहर के डीके आएंगे तो अंजाम है कांग्रेस क्या होगा। कमलनाथ जी अगर विश्वास करना है तो डीके पर मत करो। सुरेश पचौरी, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया घर बैठे हैं, इन पर विश्वास करके इनसे काम लो। आयातित लोगों से काम नहीं चलने वाला। अब मध्य प्रदेश की जनता सब समझ गई है। डी और के पहले से गए, या तो डी मतलब दिग्विजय सिंह, ये मतलब कमलनाथ जी। बर्बाद कांग्रेस करने को दो ही डी के काफी, बाहर के डी के आ जाएंगे तो अंजाम कांग्रेस क्या होगा, ये अंदाज करना चाहिए कमलनाथ जी। अगर विश्वास करना है तो उस डी के पे मत करो। आदरणीय पचौरी जी घर बैठे हैं, अरुण यादव जी घर बैठे हैं, भूरिया जी घर बैठे हैं, तो इन पर विश्वास करके इन्हें काम में लो। आयातित लोगों से काम नहीं चलने वाला मध्य प्रदेश में। अब कांग्रेस के बारे में समझ गई है जनता। पवन खेड़ा के सीएम चेहरे को लेकर दिए बयान पर मिश्रा ने कहा वो स्वयंभू बने बैठे थे, भावी नेता हैं, अवश्यंभावी हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस की जरूरत है, खेड़ा ने इन सब पर पानी फिरा है, ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है। तो ये मानकर चलिए कि 26 मई को जो बैठक है उसमें भावी वगैरह सब स्पष्ट हो जाएगा। अब ये स्वयंभू जो बने बैठे थे कि भावी मुख्यमंत्री हैं, भावी नेता हैं, अवश्यंभावी हैं, मध्य प्रदेश के कांग्रेस की जरूरत है, और खेड़ा ने इस सब पर पानी फेरा है, अब ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है। और इसलिए आप ये तय मान के चलिए 26 तारीख की जो बैठक है ना, ये भावी वगैरह सब स्पष्ट हो जाएगा। नरोत्तम मिश्रा ने किसान कर्ज माफी पर कहा राहुल गांधी भूले थोड़ी होंगे कि किस तरह से उनसे 2 लाख के कर्जे का झूठ बुलवाया था। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनकी किरकिरी करवाई थी कमलनाथ ने, इसलिए कमलनाथ को अब समझ जाना चाहिए। राहुल गांधी भूले थोड़ी होंगे किस तरह से उनसे 2 लाख के कर्जे का झूठ बुलवाया था मध्य प्रदेश, और उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कैसी किरकिरी कराई थी कमलनाथ जी। इसलिए कमलनाथ जी को समझ आ जाना चाहिए कि ये जनपद 10 जनपद का इशारा है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।